सबसे खतरनाक घरे उखाड़ देता है, तीन तल्ला लेके चल जाएगा। जमीन से शुरू होता है अब बादल तक में टच रहता है। वहाँ के लोग घर बनाते हैं ना तो एक बेसमेंट बनाते हैं, बवंडर इतना भयानक होता है। सबसे खतरनाक टॉर्नेडो, सबसे खतरनाक टॉर्नेडो घरे उखाड़ देता है। टॉर्नेडो आएगा ना घर उखाड़ ले जाएगा, जैसे हम लोग के ऊपर से टॉर्नेडो चक्रवात जाएगा ना, तो टॉर्नेडो का आकार ऐसे होता है, पूरे बादल ऐसे कीप के समान होता है, ऐसे कीप के समान, मतलब ये चक्रवात जमीन से शुरू होता है अब बादल तक में टच रहता है। बवंडर इतना भयानक होता है घर द्वार उठा के लेके चल जाता है। जैसे हम लोग के कोचिंग के ऊपर से अगर टॉर्नेडो आएगा ना तो यहाँ पे कोई लड़का यहाँ नहीं रहेगा, सबको उठा के उड़ा ले जाएगा। अब मान के चलिए कोई भारी लड़का है उसको हाथ पे फेंक देगा, कोई थोड़ा सा उससे हल्का है तो थोड़ा और दूर शाहगंज फेंकेगा, और जैसे आप लोग को तो फेंकेगा गाय घाट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया? और तुमको बबनी हाजीपुर ले जाके फेंकेगा, खाना पीना खाओ लोग। और छोटू तुमको छोड़ देगा, कहेगा देना अभी छोड़ देते हैं। हाँ मधुबनी, हाँ सीधे कहाँ ले जाएगा? मधुबनी। तो चक्रवात इंडिया में नहीं आता है, समझ में? डरो नहीं, बेचारा डर गया कि मधुबनी लेते जाएगा, यहाँ नहीं आता, यहाँ तो आंधी तूफान नॉर्मल आते हैं सब। यहाँ पे ये चक्रवात बहुत खतरनाक आता है। कहाँ पे? अमेरिका। तो वहाँ के लोग घर बनाते हैं ना तो एक बेसमेंट बनाते हैं एक तल्ला नीचे, क्योंकि चक्रवात आएगा ना तो ऊपर का तीन तल्ला लेकर चल जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा। तो उसमें केचुआ देखें, केचुआ वो कैसे चार तल्ला घर बनाता है, रहता निचुआ है, उसका ऊपर वाला लेकर चल जाइए, ऊपर देखता है मेरा घर कौन ले गया, फिर बनाएगा वहाँ पर। समझ में गया? तो अमेरिका के लोग इससे अभ्यस्त है, उसी टाइप का घर बनाते हैं। हमारे यहाँ बेसमेंट का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ कहाँ बेसमेंट का कल्चर, वो बड़े बड़े अपार्टमेंट में बेसमेंट में आदमी क्या डाल देता है, गाड़ी वगैरह, किसी को दिक्कत? चक्रवात एक ऐसा हवाओं का झोंका होता है जिसमें अंदर में दाब कम होता है और बाहर में दाब ज़्यादा, जिस वजह से बाहर से हवाएं कहाँ आती हैं, अंदर की ओर। तो चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, अंदर दबाव कम रहता है, इसीलिए ना चक्रवात आता है बाहर से अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाहर से तो बताइए, चक्रवात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोला जाए, कोई दिक्कत है? चक्रवात के केंद्र में दाब ज्यादा या कम? दाब ज्यादा या कम? कम। लो प्रेशर, अब बाहर में हाई प्रेशर। कैसे चक्रवात? जैसे पटना शहर को देखिए ध्यान से, आगे बढ़े, जैसे पटना है यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगा सपोज, तो गर्मी इसके वजह से यहाँ लोग भी ज्यादा रहते हैं, जहाँ ज्यादा लोग रहेंगे वहाँ गर्मी ऑटोमेटिक क्या पड़ने लगता है, ज्यादा पड़ने लगता है। तो यहाँ लोग भी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो गाड़ियाँ ज्यादा होंगी, होटल ज्यादा होंगे, चूल्हा ज्यादा जलेगा, लाइट बत्ती ज्यादा जलेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, गर्मी आती है वहाँ पर। तो उससे वो क्या होगा, हवाएं गर्म होकर क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और बाहर तो यहाँ हवाओं की कमी आएगी, मन के चलिए 1000 लीटर हवा है तो उसमें से 600 लीटर हवा ऊपर चल गई, खाली सांस ओस लेने भर का ऑक्सीजन नीचे है, हवाओं की कमी। और अगल बगल का मोहल्ला जैसे हाजीपुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, उधर साइड में पटना से आप 25 किलोमीटर का रेडियस छोड़ दीजिए तो खाली खेत है, ना उधर किसी का चूल्हा जल रहा है, ना फैक्ट्री है, ना होटल है, ना कुछ भी है इस टाइप का नहीं, तो वहाँ हवाएं भारी हैं, तो वहाँ की हवाएं धकेल देंगी कहाँ पे, पटना की। तो इसीलिए देखिए चक्रवात जब भी आएगा गर्मी के दिन में आएगा, ठंडी के दिन में देखें चक्रवात आते हैं कहाँ, ठंडी के दिन में चक्रवात आता है तो कोहरा हो रहा रहता है ठंडी के दिन में, बारिश तूफान थोड़े रहता है। आप आगे बढ़े, यहाँ पे अभी क्या रहता है, बारिश वगैरह ज्यादा रहता है अभी के समय में देखिए। तो गर्मी तो चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर, अंदर में निम्न दाब की उच्च दाब, हाँ अंदर का तापमान ज्यादा या कम? ज्यादा। चक्रवात में तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, एनी नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम।